सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। फाइनली यार एक और वीडियो आ चुकी है। तुम लोगों को चाहिए थी वीडियो और मुझे व्यूज, तो वीडियो आ चुकी है। यहाँ पर लोग देख सकते हो आज इनका कंपैरिजन होगा, और ये लोग अकेले नहीं है, इनके साथ साथ जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहे ना कुछ खड़े हुए लोग, अभी दिखा देता हूँ, ये इनकी भी साथ में कंपैरिजन होगा। अनबॉक्सिंग तो क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है, तो आज कंपैरिजन होगा। तो चलो गाइस यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे हमारे फिगर दोनों के दोनों काफी अमेजिंग फिगर्स हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और भी कुछ एक्शन फिगर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। ये है हमारा वॉर्ड, और इसका कैप्टन अमेरिका देखा है तो लेजेंड सीरीज की तरफ से, ये भी लेजेंड सीरीज की तरफ से दोनों ही सेम एक्शन फिगर्स हमें मिले हैं, सेम ही कंपनी के हैं, बट वो बात और है कि ये थोड़े से बुले गए। तो चलो कोई बात नहीं, फटाफट से हम लोग पहले अपने कैप्टन अमेरिका को निकाल लेते हैं बॉक्स के बाहर। यहाँ से निकाल लिया कैप्टन अमेरिका को, जो कि इन्फिनिटी वॉर वाला वर्जन है हमारे पास। यहाँ पे आप लोग बॉक्स पे देखोगे तो बॉक्स पे आयरन मैन बना हुआ दिख जाएगा आपको। उसके साथ साथ अगर आप लोग यहाँ देखोगे पीछे, तब पीछे आपको थैनोस दिख जाएगा, हल्क और बाकी के सुपर हीरोज। मेरे को सबका नाम पता है लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप थॉर और देख सकते हो बाकी के। यहाँ पे हमारा रॉकेट, प्यारा सा छोटा सा और काफ़ी शरारती रॉकेट है ये। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके के बॉक्स में थीम है। उसके बाद अभी हमें इसे भी निकालना है, हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को, जिसे भी हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं। जैसे बॉक्स निकाल लिया हमने, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थैनोस है, और यहाँ पे कुछ कलर थीम जो दे रखी है थोड़ी सी अलग दे रखी है, डिफरेंट कंपेरेटिवली इस वाले बॉक्स से थोड़ी सी अलग है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पीछे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और पीछे बिल्कुल सेम है, इसलिए आप लोग देख सकते हो, बस थोड़ा इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे कैप्टन अमेरिका बने हुए इधर और इधर बॉक्स रखते साइड में। अब बारी आती है दोनों को बॉक्स का निकालने की, यहाँ से निकाल लेते हैं दोनों को। साथ में इसके एक और चीज मिली है जो कि है हमारा स्टोन, इन्फिनिटी स्टोन, यहाँ से मैं इसे निकाल लेता हूँ। ये निकल गया हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज। तो सबसे पहले यार हम लोग बात करते हैं इनके एक्सेसरीज के बारे में। तो ये एक्शन फिगर्स को रखते थे साइड में, यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सेसरीज है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी, जो कि है हमारा एक स्टोन, और ये शायद पावर स्टोन हो सकता है सोल स्टोन भी हो, तो पक्का नहीं पता, लेकिन मेरे को पावर स्टोन लग रहा है। आपको क्या लग रहा हो आप कमेंट करके बता देना, बाकी जो भी आपको लग रहा हो। ये पीछे से कुछ इस तरीके का ही इसकी शील्ड में आ सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता है, इतना आ गया है, ज़्यादा नहीं आ सकता क्योंकि फिर निकल जाएगा। बट हाँ ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको लुक थोड़ा सा इन्हांस कर देता है क्योंकि जो कलर ग्रेडियंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद अगर हम लोग शील्ड की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शील्ड, यार ये बंदा देखता कैसे डर लग जाता है। चलो कोई बात, अगर हम लोग देखें इसके हैंड्स रोटेशन बिल्कुल सेम है, लेग्स रोटेशन बिल्कुल सेम है, पीछे से आप लोग देख सकते हो 360 डिग्री रोटेशन है जो कि ठीक ठाक है। अगर हम लोग बात करें देख सकते हो बिल्कुल सेम है, 360 डिग्री हैंड्स इस तरीके से मूव हो जाएंगे, लेग्स भी इसी तरीके से मूव होंगे। यहाँ पे 4 एप्स, ये लौंडे लड़के 4 एप्स। चलो अब बात करते हैं हमारे कैप्टन अमेरिका की, यहाँ पे देख सकते हो 360 डिग्री रोटेशन, बढ़िया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सेम है, मतलब आर्टिकुलेशन कुछ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सेम आर्टिकुलेशन है, जैसे कि आप लोग खुद देख सकते हो स्क्रीन पे। अब हमारे बात करते हैं हमारे मेन एक्शन फिगर की, तो ये जो मेरा एक्शन फिगर है काफ़ी पुराना है, और मुझे खुद को नहीं पता एक्शन फिगर मतलब किस चीज़ का है, ये कोई ओल्ड मैन कर्डियर मैन जो हम कहते हैं आदिवासी, तो क्या ये वो है मेरे को पक्का नहीं पता, और मेरे को इसका प्राइस भी नहीं पता, पता नहीं मेरे को कहाँ से मिला था, मेरे को इसका प्राइस भी नहीं पता क्योंकि बहुत पुराना एक्शन फिगर है। बट हाँ ये मेरा पहला एक्शन फिगर था जिसमें आर्टिकुलेशन इस लेवल की थी, हैंड्स इस तरीके के मूव होते थे तो कि काफ़ी सही चीज़ लगती है। इसका हेड वेड कुछ रोटेट नहीं होता, ऐसे ऐसे थोड़ा मूव होता है, लेग्स मूव होते हैं इसके, और हैंड्स तो पूरी मूव होते हैं, कोई दिक्कत नहीं हैंड्स में। सो ये था मेरा एक्शन फिगर जो कि काफ़ी पुराना एक्शन फिगर था। होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज सब्सक्राइब कर देना, हाँ और साथ ही साथ लाइक भी कर देना। तुम लोगों को पता है कि क्या सीन चल रहा है अभी चैनल के साथ, बहुत बुरे वाले लगे हुए चैनल,
मतलब वही है वॉच टाइम की दिक्कत है, वरना भाई अभी तुम लोगों के लिए जो एक्शन फिगर्स आ रहे होते ना, तुम लोग लिटरली सोच नहीं सकते। तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे एक्शन फिगर्स लाता मैं बहुत सारे ऐसे एक्शन फिगर्स को जानता हूँ जो कि काफ़ी अंडररेटेड है और वो काफ़ी अच्छे हैं, बट स्टिल उनकी अनबॉक्सिंग कोई नहीं करता है। मैं वो भी लाऊंगा, तुम्हारे लिए मार्वल लेजेंड्स के भी एक्शन फिगर्स लाऊंगा। बस एक बार मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो जाए तो यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में तुम लोगों के लिए ऐसे एक्शन फिगर लेके आऊंगा।